दोस्तों, मिस्र का इतिहास खजानों और रईसी से जितना भरा है, उतनी ही इस साम्राज्य में मनुष्यत मौजूद थी। मिस्र के इतिहास में बहुत कम ही ऐसे फैरोज रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आखिरी दम तक जिया हो, क्योंकि ज्यादातर सभी इतने बदकिस्मत थे कि मौत का बुलावा उन्हें समय से पहले ही आ गया, जिस वजह से उनकी अगली पीढ़ी को फलस्वरूप हल्की उम्र में ही फैरोज का तमगा संभालना पड़ा। और दोस्तों, जब बात आती है इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी, सबसे मशहूर और सबसे बदकिस्मत फैरोज की, तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है फैरो तूतनखामन का। तूतनखामन एक ऐसे फैरो थे जिनके इतिहास के बारे में इजिप्शियन हिस्ट्री में भी बहुत कम लिखा है। उन्होंने ना सिर्फ कम उम्र में मिस्र का शासन संभाला था, बल्कि दुर्भाग्यवश उनकी मौत भी बहुत जल्दी हो गई थी। और उनकी मौत का कारण क्या था, यह ना तो इतिहास में कहीं लिखा गया है और ना ही वैज्ञानिक आज तक इसके बारे में खोज पाए हैं। इन्होंने जिंदा रहते वक्त शादी तो अपनी खुद की बहन से ही की थी, क्योंकि अंदाजे के अनुसार इन्हें और किसी पर भी इतना भरोसा नहीं था। लेकिन यार, इतने सारे एहतियात बरतने के बावजूद भी इन्हें अपने जीवन को जल्द ही अलविदा कहना पड़ा था। अब आज भले ही दुनिया भर के लोगों के बीच तूतनखामन बहुत मशहूर है, लेकिन उनके नाम से ज्यादा उनका श्राप मशहूर है, जो तूतनखामन ने खुद उन्हीं को दिया था जिन्होंने उसकी कब्र खोज निकाली थी। तो क्या तूतनखामन ने सच में मरने के बाद उन दो खोजकर्ताओं को श्राप दिया था जिन्होंने उसकी कब्र को खोज निकाला था, या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? जानने के लिए हमें पलटना होगा उन पन्नों को जिसको विज्ञान नहीं मानता, और उन पन्नों को भी जिन्हें इतिहास नहीं मानता। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक, और चलिए जानते हैं मिस्र की एक और अनसुलझी पहेली तूतनखामन के श्राप के बारे में। दोस्तों, साल 1922 में इजिप्ट के रेगिस्तान के बीचों बीच खोजकर्ता किसी ऐसी सोने की चिड़िया की तलाश कर रहे थे जो उनकी तकदीर बदल सके। मिस्र से संबंधित एक एक कतरा बहुत ही बेशकीमती साबित होता है, ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी ऐतिहासिक वैल्यू होती है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मिस्र के इतिहास से संबंधित खोजी गई ज्यादातर चीजें बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई होती है। अब लगभग एक साल से लगातार चल रही इस खोज में जब सभी इन्वेस्टर्स का पैसा जवाब दे रहा था, तो अंततः अक्टूबर 1922 में रिसर्च हेड हार्वर्ड कार्टर को यह संदेश पहुंचाया गया कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा है। अगर इस वक्त में कुछ बेशकीमती मिलता है तो ठीक है, वरना ये सब कुछ उन्हें बंद करना पड़ेगा। अब सब उम्मीद हार चुके थे कि तभी 4 नवंबर 1922 को अचानक खुदाई करते वक्त उन्हें धरती के नीचे किसी तरह के कमरे जैसी जगह मिली, और कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने बंजर जमीन के नीचे बसी सोने की लंका को अपनी आंखों के सामने देखा, जहां दीवार की नक्काशी से लेकर दरवाजे की सिटकनी तक सब कुछ सोने का बना हुआ था। और इन्हीं सब के बीच उस मकबरे के अंदर मौजूद था एक बड़ा सा ताबूत, जिस पर आकृति बनी हुई थी इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड ऑफ डेथ ओसाइरिस की। और उस ताबूत के अंदर मौजूद और दो ताबूतों को खोलने के बाद हुई मिस्र के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी खोज, और खुलासा हुआ तूतनखामन के कब्र का। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में दिख रहे सारे 11 लोग बहुत ही खुश थे कि उन्होंने शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली है, लेकिन इनमें से किसी को भी क्या पता था कि इस कब्र को खोलने के बाद इन 11 के 11 लोगों की मौत तूतनखामन के श्राप से होने वाली है। इस तस्वीर में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, उन सभी की मौत 4 से 5 सालों के अंदर ही बड़ी रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे थे जो इतने ज्यादा फिट थे कि उनके सामने 20 साल का जवान भी शर्मा जाए, लेकिन उनकी मौत ऐसे हालातों में हुई कि जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। कोई हार्ट अटैक से मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ कुछ तो ऐसे भी थे जो रात को अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाकर घर लौटे थे, लेकिन जब सुबह उनका कमरा खोला गया तो उनका शरीर जान छोड़ चुका था। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने इस पूरी रिसर्च को फंड किया था, यानी कि लॉर्ड कार्नारवॉन, वह तक ताबूत के पास जाने के एग्जैक्ट 6 महीने बाद 5 अप्रैल 1923 को इनडायरेक्टली मच्छर के काटने की वजह से मर गए थे, जो कि सुनने में भले ही इलॉजिकल लग रहा हो, पर विकिपीडिया पर जाकर आप इसकी पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। अब जब इस तरह के हालात देखे गए, तो ये सबको समझ में आ गया कि 11 इतने बेहतरीन लोगों को अचानक से इतने कम अंतराल में खत्म होना सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और यह देखा गया कि ये सभी वो लोग थे जो तूतनखामन की कब्र के पास गए थे, और यहीं से शुरू हुई कहानी तूतनखामन के श्राप की, जिसकी प्रमाणिकता पर तो कोई विश्वास नहीं करता, पर फिर भी आज सबके लिए यह चर्चा का विषय बन चुका है।
हो सकता है कि ये एक इत्तेफाकी हो, लेकिन यार आप हम इंसानों के नेचर को तो अच्छे से जानते ही हैं। अब यहाँ पर अगर कोई लॉजिकल बातें बताने की कोशिश करे तो उसको सुनने में शायद 2-3 लोग ही मुश्किल से पहुंचेंगे, लेकिन कुछ चटपटा और मसालेदार बनाकर बेचा जाए तो खरीदारों की कमी नहीं रहती। ऐसा ही कुछ इस किस्से में भी हुआ। अब किसी ने मजे मजे में आशंका जताने के लिए यह कह दिया कि हो सकता है तूतनखामन ने अपनी कब्र को खोलने वाले और उसे मौत की नींद से जगाने वाले को गुस्से की वजह से श्राप दे दिया हो, जिस वजह से उसके पास जाने वाले सभी लोग इतनी जल्दी बेमौत मारे गए थे। लेकिन यह बात बेबुनियाद भी हो सकती है, क्योंकि यार अगर लॉजिकली देखें तो इस सेंस से तो ताबूत की खोज करने वाले और उसको सबसे पहले खोलने वाले हावर्ड कार्टर को तो एक महीने के अंदर ही हर हाल में मर जाना चाहिए था, क्योंकि वही तो मेन शख्सियत थे जिन्होंने फैरो को उनकी नींद से डिस्टर्ब किया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जिसको सबसे पहले खत्म होना चाहिए था वह इस घटना के 16 साल बाद 74 साल की उम्र में नॉर्मली मौत के हवाले हुए थे। तो आखिर सच्चाई क्या है, या सच्चाई कुछ है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अब दोस्तों मुझे इस कहानी में बहुत सारे तथ्यों और सच्चाई की कमी महसूस हुई, जिस वजह से हमने अपनी पर्सनल रिसर्च इस विषय में करनी शुरू की और देखना चाहा कि क्या इंटरनेट पर जो कुछ मौजूद है वो फैक्ट्स है भी या सिर्फ मसालेदार खबरें बनाने के चक्कर में उसे मिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। और इसके लिए हमने सबसे पहले रुख मोड़ा इजिप्शियन माइथोलॉजी की ओर, क्योंकि यार जहां बात आती है श्राप और वरदान जैसे कॉन्सेप्ट्स की तो वो चीजें विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती, वहां से सिर्फ रूहानी चीजों का राज शुरू हो जाता है और तिलिस्म और रूहानी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ माइथोलॉजी के अंडर ही आती है। हमने कई जगहों से घंटों तक इजिप्शियन माइथोलॉजी को पढ़कर उसे एनालाइज करके उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश की, और उसके बाद हमें ये पता चला कि जिस थियरी को लेकर हम लोग इतने उत्साहित हैं उसका तो बेस ही नहीं एग्जिस्ट करता। और कैसे, चलिए इस बारे में बताते हैं। दोस्तों तूतनखामन के जिस श्राप के बारे में हम बात करते हैं कि नींद से जगाए जाने के बाद तूतनखामन की आत्मा ने सारे खोजकर्ताओं को श्राप दे दिया था, तो इजिप्शियन माइथोलॉजी और इजिप्शियन हिस्ट्री में तो श्राप शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। अब अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से सुनिए। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में श्राप और वरदान जैसी चीजें एग्जिस्ट करती थी, यह हमें अपने महाकाव्यों और सुनी सुनाई बातों से ही तो पता चलता था। इतिहास को पढ़कर ही तो हमें जानने को मिला था कि श्राप जैसी कोई चीज हमारे पूर्वज दिया करते थे। बट इजिप्शियन माइथोलॉजी से लेकर इजिप्शियन हिस्ट्री तक किसी भी देश के राजा, गुलाम या नॉर्मल इंसान ने भी श्राप देना तो छोड़ो, कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। तो अगर उनके माइथोलॉजी में और उनके बिलीव्स में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था और तूतनखामन ऐसा कुछ जानते ही नहीं थे, तो क्या फिर श्राप देना उसने स्वर्ग में जाकर सीखा होगा, या फिर कोई अमेरिकन भूत उसे मौत के बाद अपनी माइथोलॉजी का ज्ञान दे रहा था। जिस वजह से यार इतना तो साबित होता है कि अगर इसमें रूहानियत तिलिस्म का कोई भी कनेक्शन होगा तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ के ही परे हो। लेकिन अगर बात करें श्राप जैसी किसी चीज की, तो तूतनखामन के इस केस में या इजिप्ट के किसी भी केस में तो इसकी पॉसिबिलिटी 1% से भी कम की लगती है। बाकी जितना हमने स्टडी किया उसके हिसाब से इन सभी लोगों का अचानक से यूं बेमौत मरना सिर्फ एक इत्तेफाक के नजरिए में ही आ सकता था। पर दुनिया में 7 अरब लोग हैं और सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, जिस वजह से कोई इस बात को मानेगा तो कोई इसे सिरे से नकार देगा। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि तूतनखामन की मौत आज भी एक रहस्य का कारण बनी हुई है। और ये बात भी सच है कि तूतनखामन के मम्मी के सीने में दिल नहीं था, जो कि बहुत ही असामान्य बात हुआ करती है, क्योंकि इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से तो मरने के बाद किसी भी आत्मा का दिल ही उसकी पवित्रता का सबूत देता है और उसे शांति प्रदान करता है। लेकिन किसी फैरो की मम्मी के शरीर में दिल का ना होना ऐसी बात है जो इस चीज को मिस्र से काफी अलग बनाती है, और तूतनखामन की मौत भी इससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। अब अगर आपको इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और यार अगर हमें काफी ज्यादा कमेंट्स आ गए तो हम बेशक ही तूतनखामन के रहस्यों को और गहराई से जानेंगे और आपके सामने हर एक कड़ी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी मजेदार लगा होगा। और पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देते हो जाना, मुझे ये बताओ कि लास्ट के एक वीडियो में हमने इस दुनिया में मौजूद सबसे पुराने पिरामिड की बात कही थी, उस पिरामिड का नाम क्या है और वो कौन से कंट्री में पड़ता है? हमें नीचे कमेंट करके अपने जवाब देना मत भूलना। देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।